तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय एंड आप देख रहे हैं अक्षय वीलॉग 0008। तो भाई साहब, हमारी बाइक अभी चल चुकी है पूरा 9000 किलोमीटर। ठीक है, आपको दिख रही होगी। ठीक है यार, ये थोड़ी सी चलती वलती है ना ज़्यादा, तो उस वजह से मैंने साफ़ सफाई अभी नहीं करवाई, तो उसको इग्नोर करना। तो अभी बात करते हैं इसके ओनरशिप रिव्यू की, जो पिछले 7 महीने से अभी ये मेरे साथ है, तो कैसा ये मेरे को कम्फर्ट दे रही है, क्या माइलेज दे रही है। भाई साहब, सबसे पहली चीज़ माइलेज की बात करें तो ये 25 से 28 का माइलेज दे रही है मेरे को। ठीक है, बट हाँ, काफ़ी अच्छा माइलेज है, यामा की बाइक है तो अच्छा ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब बात करते हैं इसके कंफर्ट की। कंफर्ट के मामले में देखो, 250 और 400 में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि टायर ब्रॉडनेस की वजह से इसमें थोड़ा सा कम्फर्ट कम है, बट हाँ, उतना भी कम्फर्ट बुरा नहीं है, बट 400 में कम्फर्ट ज़्यादा अच्छा है, मैंने चलाई थी वो। ठीक है, और इसके जो टायर्स है अभी तक काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, आगे वाला मैंने बदलवा लिया था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी आपको पता होगा मैंने अगला टायर बदलवाया था, क्योंकि बबलिंग का इशू आ रहा था। और यह लिखा है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, आप देख सकते हो। भाई साहब, दूर से देखो तो एकदम लगती है कतल, बंदा मुड़कर देखता है इस बाइक को, समझ रहे हो। यार काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, मतलब कि एक ही हफ्ता मैंने पिछले हफ्ते धुलवाई थी और इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है। पैरा टूर मैंने से जयपुर का मारा था, तो जयपुर में इसने कोई मेरे को दिक्कत नहीं थी, बहुत ईजिली गई। होता है ना यार, मतलब कि मैंने सिर्फ 2 बारी रोकी थी बाइक जो थी रास्ते में, हाँफ ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे यामा की बाइक हाँफ जाती हैं एक्सेलरेशन देने में वगैरह वगैरह, बट इसमें पावर इतनी थी कि ये अजमेर तक भी चली जाती बड़े प्यार से बिना रुके। तो यार, स्प्लेंडर और महंगी बाइकों में तो यार फ़र्क होता ही है ज़मीन आसमान का। अगर बात करें कि जैसे आप एक ऑल्टो गाड़ी लेते हो और एक स्विफ्ट लेते हो, तो दोनों में अंतर होता है ना कम्फर्ट का, तो वही फ़र्क है। अब यामा छोटी बाइक है, ठीक है भाई साहब, ज़रा सी हवा तेज आई या आपने एक्सेलरेशन ज़्यादा दी, तो भैया वो तो आपको कहाँ ही लेके जाएगी, पता नहीं चलेगा। ठीक है, बट हाँ, ये आपके रोड के साथ जब चिपक के चलेगी, आपकी सेफ्टी बन के, इसको अगर आपने ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना टेंशन के आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो उसके लेके। अभी काफ़ी अच्छे अच्छे टूर्स भी निकल रहे हैं मेरे पास, आ रहे हैं डोमिनार की तरफ से, कि भैया राजस्थान का भी टूर निकला हुआ है, राजस्थान ट्रिप का। ठीक है, यहाँ ये बजाज की तरफ से। तो मेरा प्लान है कि देखो, अभी तो मैंने एक ट्रिप कंप्लीट ही करा था जयपुर का, तो उसके बाद मैं गाड़ी से ही मेरा मन था, बट हाँ, इन फ्यूचर जैसे नेक्स्ट ईयर मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को जाना चाहिए डोमिनार ग्रुप के साथ, तो मैं डेफिनेटली जाऊँगा। ठीक है, और यार इसके नेगेटिव चीज़ों की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये मैंने पहले ही बताया था, ये चीज़ जो है ये पैरों में अड़ती है। ठीक है, दूसरी चीज़ 250 जो है ये डोमिनार, ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मैंने आपको जो पहले बताया, इसमें और 400 में ज़्यादा कंफर्ट की डिफरेंस है। ठीक है, अगर इसका टायर थोड़े से और चौड़े दे देते तो कंफर्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती। अब क्या है, टायर पतले हैं और लंबाई ज़्यादा है बाइक की, उस वजह से थोड़ा सा जो है शोल्डर पर प्रेशर पड़ता है, बट हाँ, रोड से चिपक के चलती है भाई साहब, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प आपको पता ही है, रात को जब चलती है ना रोड पे, भाई साहब ऐसा लगता है गाड़ी आ रही है पीछे से, समझ रहे हो। तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और देखो पिलियन की भी अगर मैं बात करूँ एक चीज़, हाँ, अगर आप मैं ये भी बात करूँ कि पीछे वाले के लिए कम्फर्ट कैसा रहता है, तो यार पीछे वाले के लिए थोड़ा सा हेक्टिक रहता है, बिकॉज पीछे सपोर्ट नहीं है, ऊपर से बाइक ज़्यादा, एक तो थोड़ी सी पीछे से लंबी भी है, ठीक है, ऊंची भी है ना, तो पीछे वाले का कंफर्ट ज़्यादा तभी बन पाएगा अगर आप इसके पीछे एक रेस्ट लगवा दें। ठीक है, तो पीछे वाले के लिए कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी लॉन्ग टूर पर, छोटे 2-4 किलोमीटर में तो पता नहीं चलती बाइक, बट हाँ, जैसे 150, 200, 250, 300 किलोमीटर आप जा रहे हो, तो पीछे वाले का तो भैया कमर की बैंड बच जाएगी, इससे बेटर है कि पीछे आप माउंट लगवा लो, ताकि जो उसकी बैक का हो, बैक पे सपोर्ट रहे। ठीक है, और यार टंकी तो उसकी 13 लीटर की है, तो 13 लीटर के हिसाब से बहुत बढ़िया माइलेज है, इसलिए मैं 400 पर नहीं गया था, क्योंकि 400 की एवरेज कम थी।
ठीक है, तो यहीं करते हैं इस वीडियो को स्टॉप। फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। आपका कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बताऊँगा। और हाँ, अगर आप बजाज की बाइक लेने का सोच रहे हो तो ये सोच कर ज़रूर जाना कि भैया इसके सर्विस सेंटर सिर्फ 3 ही हैं दिल्ली के अंदर, तो तीनों की बहुत बुरी हालत है, बहुत से बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ठीक है यार, मैं कैसे झेल रहा हूँ ना सर्विस सेंटर वालों को, मुझे पता है बहुत घटिया सर्विस है बजाज की। तो इसलिए सोच समझ कर बाइक लेना, सबसे रिव्यू लेकर अच्छे तरीके से। और यार बाइक जब भी आप लेते हो तो PDI करके ज़रूर लेना, क्योंकि मेरी बाइक का क्या था, ये मडगार्ड टूटा हुआ था, 6 महीने बाद उन लोगों ने ये मडगार्ड बदला था, क्योंकि मेरा प्रूफ था, क्योंकि जिस दिन मैं डिलीवरी ली थी मैंने उसी दिन वीडियो बना ली थी। और जब मैंने लेमिनेशन करवाई थी तो मेरे को ये हटवाया था, इस पर पेपर चिपका कर दे रखा था, तो पता चला यहाँ पर डेंट था। तो मेरे पास सारे प्रूफ थे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता रहता हूँ। आप यार, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो यार इससे भी अच्छी और महंगी बाइक लेंगे, निंजा लेंगे ग्रीन कलर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमें भी अच्छा सपोर्ट मिले। ओके बाय।